हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चंपावत जिले में भीटी गांव की रघुवर मुरारी कोरोना महामारी के बाद गांव आने वाले प्रवासियों के लिए एक मिसाल बनकर उभरे हैं। रघुवर मुरारी वर्तमान में उच्च तकनीक से सब्जी उत्पादन कर लाखों रुपए कमा रहे हैं। पॉली हाउस और मल्चिंग विधि से खेती कर वो अच्छी उपज प्राप्त कर रही हैं। उनके द्वारा जैविक खेती से तैयार सब्जी स्थानीय बाजार में हाथों हाथ बिक जाती है। इसी विषय में पेश है एक खास रिपोर्ट। रघुवर मुरारी ने वर्ष 2000 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमए की शिक्षा प्राप्त की। 3 साल इतिहास में पीएचडी अधूरी छोड़कर रघुवर को माटी का प्रेम लोहाघाट खींच ले आया। सरकारी नौकरी की चिंता छोड़ हाथ में फावड़ा और कुदाल लेकर खेत की ओर निकल पड़े। भेटी कलरायत लोहाघाट गांव में 40 से अधिक नाली में उन्होंने पहले आलू की खेती पर फोकस किया। बेहतर रिस्पॉन्स मिलने के बाद खेती विज्ञान केंद्र लोहाघाट के सहयोग से उन्होंने जैविक आलू, पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, ब्रोकली, गाजर, खीरा आदि का उत्पादन करना शुरू किया। इसके अलावा डेयरी मछली पालन का कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि वो रोजाना 5 बजे उठकर परिवार दिनचर्या शुरू करते हैं। वो अपना ज्यादातर उत्पाद लोहाघाट में ही बेचते हैं। रघुवर ने प्रवासियों को भी संदेश देते हुए कहा, अगर चाहें तो पहाड़ में रहकर खेती कर महानगरों से अच्छा कमा सकते हैं और वो उनकी सहायता करने के लिए हर पल तैयार हैं। जिला उद्यान अधिकारी सतीश शर्मा के अनुसार विभाग की ओर से प्रगतिशील काश्तकारों को हर संभव मदद दी जाएगी। सर, बचपन से ही हमारे परिवार जो है खेती किसानी से जुड़ा हुआ है। मेरे पिताजी मैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट होने के बावजूद भी खेती किसानी करते थे। तो फिर जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद गांव लौटा तो मैंने भी खेती करना मैं अपना इंटरेस्ट दिखाया। तो फिर मेरे परिवार ने भी कहा ठीक है, अगर तुम ये करना चाहते हो तो ठीक है। तो फिर मैं 2004-5 से इसमें इस खेती में जुड़ गया था और धीरे धीरे मैं KVK या और भी जो है कृषि इंस्टीट्यूट इनके संपर्क में आकर के फिर मैंने इस तरह से टेक्निकल खेती में हाथ आजमाना चालू किया, जिसका रिजल्ट मुझे अच्छा प्राप्त होता गया और ये फिर आगे कोई ये बढ़ता ही चला गया। फिर पॉली हाउस जुड़ते चले गए, फिशरीज जुड़ता चला गया है, फिर पॉली मल्च की तरफ आया। तो इस ढंग से करते हुए उसमें मैं और मेरा परिवार जो है ये खेती के जरिए ही अपना जीविकोपार्जन अच्छे ढंग से कर लेता है। तो और ये मेरा शौक भी है और मुझे इसमें इसी में अच्छा भी लगता है। हम लोगों का पर्वतीय क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्र में जो बागवानी में विशेष रूप से सब्जी उत्पादन का महत्व है, जिससे कृषकों को तुरंत आय प्राप्त होती है। इसी के साथ साथ हम लोग पुष्प उत्पादन में भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसमें बाजार अच्छे बाजार हैं हम लोगों के पास, उसमें अधिक आय और अधिक उत्पादन की लेंगे, जिससे हमारा जो भी प्रोडक्शन रहेगा हम उसे हाई वैल्यू क्रॉप के रूप में प्राथमिकता देंगे।